राजपुरा शहर के न्यूज़ 18 इन पंजाब ने दिखाया कि बोर्ड जिहड़े राजनीतिक बोर्ड है वह किस तरह चर्चा का विषय बने हुए हैं। हरेक राजनीतिक पार्टी वालों शहर के बोर्ड लाए जा रहे हैं क्योंकि 2022 नेड़े है तो चुनावों की सरगर्मी लगातार शुरू हो चुकी है। इन बोर्डों के नाल ही कुछ बोर्ड यह जे शहर के नज़र आ रहे हैं जो अपने आप दे विच एक चर्चा का विशा बने हुए हैं तो राजनीति तो हट के लगे हुए हैं। दो हज़ार बई की तैयारी की जा रही है बोर्ड लाने तो बाद एक काफ़ी चर्चा शहर के तो बोर्डों तो बाद की कहना चाहो दसना चाहना हाँ कि जिहड़ी सियासत है ना अज के टाइम दे विच बहुत गंदी हो चुकी है जो एक नौजवान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुहानू की लगता है कि जिहड़ी नुमाइंदगी पहला लोग कर रहे हैं क्या उन्हां वल्लों लोगों नूं सांभिया नहीं जा रहा या शहर नूं सांभिया नहीं जा रहा या शहर नूं खूबसूरत नहीं मनाया जा रहा, नौजवानों नूं क्यों दित्ती जानी चाहिए है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ MLA ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सियासी बोर्डों पर नारा लिखा है राजपुरा हलका करे पुकार, उम्मीदवार होवे लोकल इस बार, लेकिन तुहाडा नारा कुछ हो रहा है राजपुरा हलका करे पुकार, नौजवान होवे उम्मीदवार, बड़ा अलग जिहा नारा तुसीं दित्ता है इस बार। किन्ना कि यूथ तुहाडे नाल जुड़ जाएगा ये नारियां तो बाद, की तुहानूं लगता है कि नौजवान तुहाडियां ये गल्लां सुन के ये तुहाडे बोर्ड देख के उहनां दे विच जागरूकता आएगी, वह जागेगा नौजवान आने वाले दिनों दे विच? विकास बहुत अगे जाना हुंदा है, अज तो जदों तो देश आजाद होया है आपां सिर्फ गलियां नालियां स्ट्रीट लाइटां की लड़ाई लड़ते रहे हैं। यार जे हुण भी ना आपां समझे, हुण भी आपां गलियां नालियां सीवरेज के चक्कर च रह गए, फिर आपां कदी भी अगे नहीं वध सकते। राजपुरे दा बेटे दा क्या मतलब है, कितने MLA इलैक्शन लड़न की तैयारी तो नहीं है राजपुरे दे बेटे की? राजपुरे दा बेटा कह के लोगों नू मोहित करन दी, लोकां तो वोट लैण दी ते लोकां नू दिखाण दी भी मैं तुहाडा बेटा मैनू वोट पाओ आने वाले दिनों दे विच, या फिर ये सारा कुछ इस करके तो नहीं हो रहा भी जे मैं इह जी चीज़ करांगा नौजवानों नू जोड़ांगा तो कोई वड्डा सियासी लीडर जिहड़ा आने वाले दिनों दे विच मेरे नाल संपर्क करेगा, मैनू अपने नाल जोड़ेगा, मैनू कोई ना कोई चेयरमैन नहीं मिल जाएगी पंजाब दी, या कोई लालच किस तरह की? मैं यूथ नूं ये कहना चाहुंदा कि उही गल ना करियो, बार बार कट्ठ लैके लीडरां दे ना जायो, आप लीडर बणियो, आप अगे आओ, अगे आ के पंजाब नूं लीड करो, अपने हल्के नूं लीड करो, MCAं तों शुरू होवो, अपना अपना यूथ MC बनाओ, उस तों बाद यूथ MLA बनाओ, यूथ प्रधान मुख्यमंत्री बनाओ, उपर जाके यूथ ही अपना प्रधानमंत्री होना चाहिए तो अपना देश जो इस क्रिटिकल समय दे विच्चों निकल सकता। फिर लैंग्वेज भी बोलनी आती होनी थोड़ी बहुत, तो भौलपुरी समझते भी होने आँदी है, सारा कुछ आँदे मेकू, मैं रहा ही इन्हें चा, जे मेकू बावलपुरी ना आई वाल मेकू राजपुरे का बेटा लिखण का फायदा ही का नहीं, मेकू सारा आँदे, मैं सारा कुछ बुलेना, सारा ब्रा मेरे बहुत खुश होंगे जो मैं बुलेना बावलपुरी च उन्होंने गाल करेना, देख देना भी सरदार बावलपुरी बुलेंदा पे। राजपुरा शहर के न्यूज़ 18 इन पंजाब ने दिखाया कि बोर्ड जिहड़े राजनीतिक बोर्ड है वह किस तरह चर्चा का विषय बने हुए हैं।
हरेक राजनीतिक पार्टी वालों शहर के बोर्ड लाए जा रहे हैं क्योंकि 2022 नेड़े है तो चुनावों की सरगर्मी लगातार शुरू हो चुकी है। इन बोर्डों के नाल ही कुछ बोर्ड ऐसे शहर के नज़र आ रहे हैं जो अपने आप दे विच एक चर्चा का विशा बने हुए हैं तो राजनीति तो हट के लगे हुए हैं। नौजवानों वालों बोर्ड लाए जा रहे हैं, सिमरनजीत सिंह सलैच जेडे कि नौजवान है जिन्हों की वीडियोज़ से पोस्टा जड़िया सोशल मीडिया से वायरल होंगे नौजवानों जागरूक करने वास्ते, इन्हों वालों शहर के बोर्ड ला के नौजवानों जागरूक किया जा रहा है। तो असी तुहानू दिखाया कि शहर के मेन मेन चौंकों पर जोड़े बोर्ड लगे हैं इन्हों कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। असी उन्हीं पॉइंटा पर गल करने वास्ते सिमरनजीत सिंह सलैच जी के कोल पहुंचे हैं तो आप उन्होंने गलबात करा तो उन्होंने पिछोकड़ बारे जाणांगे क्योंकि इन्हों का पिछोकड़ जिहड़ा है राजनीतिक नहीं है। इन्होंने क्यों बोर्ड लाए हैं, क्या 2022 की तैयारी जिहड़ी है सलैश वालों की जा रही है। साढ़े नाल मौजूद है सिमरनजीत सिंह सलैश जी, तुहाडा स्वागत करदा जी न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। तुहाडे बोर्ड जिहड़े हैं शहर के चर्चा का विशा बने हुए हैं, तुहाडा कोई पिछोकड़ मैनूं लगता नहीं कि राजनीतिक है। 2022 की तैयारी की जा रही है बोर्ड लाने तो बाद काफ़ी चर्चा शहर के तुहाडे बोर्डों तो बाद की कहना चाहोगे? सब तो पहला मैं थोड़ा संदीप जी ते थोड़े चैनल न्यूज़ 89 दा तह दिलों धन्नवाद करदा कि जो मेरे कोल पहुँचे यूथ दी आवाज़ चक्कण वास्ते तुसी अज मेरे को पहुँचे हो, थोड़ा इस दे विच बहुत वड्डा योगदान रहेगा। सो मैं थोनू कहना चाहुंना, एक तां थोनू बधाई देना चाहुंना कि थोड़ा चैनल है जिहड़ा पंजाब कर रहा है, बहुत बहुत मेरे वालों शुभकामनावां, थोड़ा चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हुण गल करदे आं आपां जिहड़े तुसीं मैनूं सवाल पुछिआ भी शहर दे विच जिहड़े बोर्ड लगे हुए हन। देखो मैं दसना चाहुंना हाँ कि जिहड़ी सियासत है ना अज दे टाइम दे विच बहुत गंदी हो चुकी है, जो एक नौजवान कताई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपां देख रहे हैं कि राजनीति जिहड़ी है रणनीति बनती जा रही है, झगड़े लड़ाइयां कित्थों लियाईयां जांदियां ने, यूथ नूं अगे लिया के, यूथ नूं अगे लियाया जांदा है, उहनां नूं लड़ाया जांदा है आपस दे विच। मतलब इस नूं मुख रखदे होए अज मैं राजपुरा दे विच बोर्ड लाए हन। मतलब मेरा कोई मुद्दा नहीं जिहड़ा तुसीं सवाल पुछिआ कि तुसीं 2022 दीआं असैंबली दीआं चोणां दी तैयारी कर रहे हो, इह मेरा मुद्दा नहीं है। मैं कोई असैम्बली दी इलैक्शन दी तैयारी नहीं कर रहा, ना मेरा एड्डा वड्डा कद है कि मैं इलैक्शन लड़ सकदा। मैं सिर्फ एक राजपुरा शहर, जिवें कि आपां जाणदे हां कि राजपुरा शहर जिहड़ा पंजाब दा गेटवे है, पंजाब दा मेन पहला शहर बॉर्डर तों हरियाणे वल्लों आईए तां पहला शहर राजपुरा लगदा है। इह राजपुरा शहर दा जंपल होण दे नाते, इह राजपुरे शहर तों मैं शुरुआत कर रहा कि यूथ इकट्ठा होवे, यूथ खुद सियासत विच आवे। इस करके अज मैं जिहड़े बोर्ड ने तुसी देखे ने, बहुत मैनू कॉल्स आ रही ने लोगों दी भी असी वीर जी थोड़े नाल आ तुसी लड़ो, पर मेरा इलैक्शन लड़न का मुद्दा ही नहीं हैगा, मैं इस पासे सोचिया भी नहीं कर। सिमरन जी पहला तुहाडा जिहड़ा बोर्ड के उत्ते क्वेश्चन है ना कि नुमाइंदगी जिहड़ी है नौजवानों नूं दित्ती जावे, तुहानू की लगता है कि जिहड़ी नुमाइंदगी पहला लोग कर रहे हैं क्या उन्हां वल्लों लोगों नूं सांभिया नहीं जा रहा, या शहर नूं सांभिया नहीं जा रहा, या शहर नूं खूबसूरत नहीं मनाया जा रहा, नौजवानों नूं क्यों दित्ती जानी चाहिए है नुमाइंदगी? देखो आपां सब जानते हैं यार, नौजवान जिहड़ा हुंदा है वह हाई एनर्जी सब तो वड्डी गल है, जिहड़ी बई जिन्हों उन्हों चाहे अद्धी रात नूं जाके ठालो वह थोड़े नाल चलूगा, ठीक है। उन्होंने तुसी जिहड़ा काम कह दोगे थोड़े नाल जाके चाहे 2 घंटे लगन 3 घंटे लगन खड़ के कराऊगा। मेन मुद्दा मेरा जिहड़ा बई नौजवानों नूं आपां नूं तां देना चाहिए, नौजवान नौजवानी नूं समझ सकदा है। नौजवान अज दे टाइम च बजुर्गों नूं नौकरी तां मिलनी नहीं, नौकरी किन्नू मिलनी है नौजवानों नूं, यंगस्टर पढ़ के आ रहे ने बाहर नूं भज रहे ने, क्यों क्यों आपां पंजाब दे विच नौकरियां नहीं दे सकते? सो मैं मेरा पहला पॉइंट ये है, मैं सिर्फ राजपुरे हलके की गल नहीं कर रहा, मैं हर एक हलके नूं कहना चाहुंना कि नौजवानों नूं अपने हलके की अगवाई करन दा मौका दिओ। मैं ये गल जानदा है कि जिथे जिथे नौजवान हलके की अगवाई कर रहे हैं, मैं किसी का नाँ नहीं लैना चाहवागा, लोग बाखूबी जानते हैं कि जिथे जिथे नौजवान
हल्के की अगवाई कर रहा है वह हल्के की नुहार बदल चुकी है। उत्थे यूथ उस यूथ और जिहड़ा नौजवान अगवाई कर रहा उहदे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के तुर रहा है। ये इस करके मेन मुद्दा जिहड़ा मेन पॉइंट सीगा भी हल्के की अगवाई जिहड़ी है वह नौजवान नूं दित्ती जाणी। दूजा तुहाडा पॉइंट यह है कि राजनीति दे विच ना परिवारवाद बहुत नज़र आता। मैनूं तुहाडे दूजे पॉइंट दे विच एक चीज़ नज़र आई है कि तुसीं उत्थे लिखिया कि क्या राजनीति करन वास्ते पिछोकड़ राजनीति होना चाहिए। तुहानूं नहीं लगता कि जे राजनीतिक पिछोकड़ होएगा तो उस बच्चे जिहदा प्यो MLA है तो उस बच्चे समझण विच आसानी रहेगी क्योंकि वह उन्होंने विच रहिंदा है। जे पिछोकड़ उहदा राजनीतिक नहीं होएगा क्या वह राजनीति नूं समझ पाएगा? यह तुहाडा पॉइंट इस तरह तुसीं क्यों पॉइंट लिखिया उहदे उपर? देखो मैं ये जेड़ा पॉइंट है ना ये बहुत मुख पॉइंट है क्योंकि अज के टाइम दे विच पिछे मतलब ला लिए आपां जिहदा फादर विधायक ता उन्हूं अगे टिकट दित्ती जांदी है। मतलब हर एक जगह इन्हां ने यही चीज़ बना ली भी जिहड़ा सियासत दे विच है उहदा ही अगों पुत्र पोता या कोई भी वटएवर जो भी उन्हां दी फैमिली दे विचों है उही सियासत च आएगा। नौजवान सियासत च क्यों नहीं आ सकता? मैनूं रीज़न दस्या जावे बई नौजवानां नूं क्यों नहीं आण दित्ता जांदा सियासत दे विच, क्यों उन्हां दे पैर खिच्चे जांदे ने, क्यों नौजवानां नूं कट्ठां तक सीमित करके रखता, क्यों नौजवानां नूं वरत्या जांदा है जे नौ कितें रैली होवे उत्थे 50 बसां लैके जाणियां हन तां एक नौजवान नूं कहा जांदा है, वह नौजवान 50 बसां भर के लैके जांदा है, तकरीबन 200-250 मुंडा जे आपां लाईए उहदे नाल जुड़िया हुंदा है एक नौजवान नाल। वह कल्ला नौजवान एक विधायक या एक लीडर या कोई भी आपां कह लईए उहदे नाल जुड़िया हुंदा है। तां मैं इत्थे एक गल रखनी चाहुंदा कि भी जिहड़ा एक यूथ है तुसीं 200 मुंडा इकट्ठा कर रहे हो एक किसी भी सियासतदान पिछे, तुसी आप क्यों नहीं सियासत च आंदे, तुसी आप क्यों नहीं लीडर बनते, तुसी और जेड़ा 200 मुंडा है वह लीडर नाल नहीं जुड़िया होया, वह उस नौजवान नाल जुड़िया होया है जेड़ा उहदे विच कट्ठ रीप्रजेंट कर रहे हैं। तो वह मेरे वीर जेड़े भी ने उन्हां नूं आप अगे आना चाहिए है जे वह 200 मुंडा उन्होंने नाल है तो 200 परिवार उन्होंने नाल है, अगों 200 परिवारों के नाल अगे उन्होंने रिश्तेदार अगों उन्होंने फ्रेंड सारे नाल होंगे। इस करके मेरा मेन मुद्दा है कि जिहड़ा नौजवान नूं मुख रखिया होया नौजवान नूं मुख रख के मेरे वल्लों ये बोर्ड जिहड़े ने राजपुरे दे विच लाए गए ने। ते तुहाडा तीजा जिहड़ा क्वेश्चन है ना जिहड़ा तीजा तुसीं उत्थे लोकां नूं समझाउण दी कोशिश कीती है नौजवान नूं बड़ा इंट्रस्टिंग है कि नौजवान अज नौकरियां वास्ते दर दर भटक रहे हैं भी क्यों भटके नौजवान? जे नौजवान नूं नौकरी चाहीदी है तां ओह खुद सियासत च आण अपनी नौकरियां आप हासिल कर सकदे हैं। जब वह लोगों की नुमाइंदगी करन लग जाएंगे कोई नौजवान MLA बन जाएगा कोई चेयरमैन बन जाएगा तो उन्हें होर नौकरी करने की की लोड़ है? ये बारे ये जिहड़ा क्वेश्चन है तुहाडा एक बड़ा हट के क्वेश्चन है ये बारे तुसी की कहना चाहोगे? देखो संदीप जी मैं थोनू पहला दस चुके हाँ कि जिहड़ा भी नौजवान है अज इत्थे पंजाब दे विच या पूरे आपां भारत की गल करिए पढ़ इत्थे रहा है पर उन्हूं नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही तो वह विदेशों जा रहे हैं। मतलब मैं इत्थे गल कहना चाहना जदों एक नुमाइंदगी है जिहड़ी वह नौजवान कर रहा होएगा वह नौजवानों की थिंकिंग नू, सोच नू समझ सकूगा, नौजवानों नू समझूगा भी ये नौजवान मेरे तो की उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने की चाहिए है। अजक दर दर भटक रहे हैं यार 4-5 हज़ार रुपए दिया नौकरियां पिछे MA BA BEd की हुई नौजवान, मेरा एक बिजनेस है मेरे को आते हैं, मैं खुद बहुत नौजवानों को मौका दिता होया मैं अपने नाल जोड़ के रख्या होया। मतलब 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपए पिछे क्यों रुलने यार? वो मैनू ये गल का जवाब दिता जाए भी क्यों अपने अपने शहर दे विच अपने सूबे दे विच अपने देश दे विच देश नूं छड्ड के बाहर क्यों जाण, अपने देश दे विच क्यों उहनां नूं नौकरी नहीं मिल सकदी? इस करके मेरा मेन पॉइंट है इह कि यूथ वध तों वध जे नौकरियां चाहुंदा है तो यूथ नूं अगे लावे, यूथ नूं नुमाइंदगी करन दा हर जगह मौका दिता जाए। एक नारा सीगा बोर्डां ते लग्या होया सियासी बोर्डां ते नारा लिखा होया राजपुरा हलका करे पुकार उम्मीदवार होवे लोकल इस बार, लेकिन तुहाडा नारा कुछ होर है राजपुरा हलका करे पुकार नौजवान होवे उम्मीदवार, बड़ा अलग जिहा नारा तुसीं दित्ता इस बार, किन्ना कि यूथ तुहाडे नाल जुड़ जाएगा ये नारियां तो बाद? की तुहानूं लगता है कि नौजवान तुहाडियां ये गल्लां सुन के ये तुहाडे बोर्ड देख के उन्हां दे विच जागरूकता आएगी, वह जागेगा नौजवान आने वाले दिनों दे विच?
देखो संदीप जी, मैं थोनू दसना चाहना कि बहुत नारे लग रहे ने बई लोकल होवे उम्मीदवार, ये जिहड़ी गल है बिल्कुल सही है, उम्मीदवार लोकल होना चाहिए। जिहड़ा उम्मीदवार लोकल होगा इत्थे दा जंपल होगा उहनू बाखूबी पता होगा कि राजपुरे हल्के नू किस चीज़ की लोड़ है। इहदे नाल नाल मैं ये कहना चाहना कि भी इहदे च जिहड़ा मेरा नारा हैगा भी नौजवान नू मौका दिता जाए। नौजवान नू मौका, फिर उही गल्लां सारियां आंदियां ने बई नौजवानों नू मौका दिओगे एक विकास, क्योंकि वह विकास करन दा उहदी माइंड है जिहड़ा उहदा माइंड सैट ही होर होगा भी विकास मैं किहड़े लैवल का करना है। सिर्फ गलियां नालियां लाइटां का विकास विकास नहीं हुंदा, विकास बहुत अगे जाना हुंदा। अज तो जदों तो देश आजाद होया है आपां सिर्फ गलियां नालियां स्ट्रीट लाइटां की लड़ाई लड़ते रहे हैं। यार जे हुण भी ना आपां समझे, हुण भी आपां गलियां नालियां सीवरेज के चक्कर च रह गए, फिर आपां कदी भी अगे नहीं वध सकते। इस करके मेरा नारा है बई यूथ नूं मौका दिओ ताकि वह अपनी थिंकिंग नाल हर एक हल्के च विकास कर सके। हुण गल इह है कि तुहाडे बोर्ड ते ना एक चीज़ मैं देखी है, राजपुरे दा बेटा। राजपुरे दा बेटे दा क्या मतलब है, कितने MLA इलैक्शन लड़न की तैयारी तो नहीं है राजपुरे दे बेटे की? राजपुरे दा बेटा कह के लोगों नूं मोहित करन दी, लोगों तो वोट लैण दी ते लोगों नूं दिखाण दी भी मैं तुहाडा बेटा, मैनू वोट पाओ आने वाले दिनों दे विच, या फिर ये सारा कुछ इस करके तो नहीं हो रहा भी जे मैं यह जी चीज़ करांगा नौजवानों नूं जोड़ांगा तो कोई वड्डा सियासी लीडर जिहड़ा आने वाले दिनों दे विच मेरे नाल संपर्क करेगा, मैनू अपने नाल जोड़ेगा, मैनू कोई ना कोई चेयरमैन ही मिल जाएगी पंजाब की, या कोई लालच किस तरह की भी, क्योंकि सानू पुछना जरूरी है क्योंकि बोर्ड चर्चा का विशा बने हुए हैं। कुछ भी आप बोर्ड लावांगे वो लोगों के दिमाग नूं बदलते हैं सलैज जी, इस करके असीं तुहाडे कोल आए हैं। की कहना चाहोगे राजपुरे दा बेटे दा मतलब की है? देखो राजपुरे बेटे दा मतलब ये है, मैं एक सिख परिवार विच जन्म लिया, मैं एक सिख परिवार विच, राजपुरा मेरा जन्म स्थान है, जन्म तो मेरा सिख परिवार विच होया पर मैं विचरिया अज तक भावलपुरी बरादरी च, भावलपुरिया नाल मेरा मतलब बहुत प्रेम है। अज तक मैं सारा कुछ जो भी है मिलना उठना बैठना आना जाना खाना पीना सब भावलपुरिया ब्राह्मण नाल होया, क्योंकि उन्होंने मेरा निजी प्यार, मेरी यारी दोस्ती, या असी मार्केट के विचरे हाँ तो उत्थे भी सारे भावलपुरी भरा, इस करके मेरा मेन मुद्दा रहा भी ये राजपुरे का बेटा है जिहड़ा, एक कल्ला एक धर्म नू लैके या एक किसी चीज़ नू लैके नहीं, ये सारियां दा सांझ है क्योंकि मैं सारियां दे विच विचरिया होया। फिर लैंगुएज भी बोलनी आती होनी थोड़ी बहुत, तो भावलपुरी समझते भी होने आँदी है, सारा कुछ आँदे मेकू, मैं रहा ही इन्हों चा, जे मेकू भावलपुरी ना आई वाल मेकू राजपुरे का बेटा लिखण का फायदा ही कहीं, मेरे को सारा आंदे, मैं सारा कुछ बुलेना, सारा ब्राह मेरे बहुत खुश होंगे जो मैं बुलेना बावलपुरी चो उन्होंने गाल करेना देखते ना भी सरदार बावलपुरी बुलेंदा पे। सो मैं मतलब बहुत 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 वधिया लैंगुएज बोल लें साड़ी बावलपुरी, तो मैं लगता भी आने वाले दिनों के जड़ा यूथ है वो तो तुम जोड़ोगे जोड़ोगे, जिहड़ा बिरादरी का यूथ जिहड़ा हैगा वह भी वड्डी संख्या दे विच कहा जांदा है शहर दे विच, वह भी तुहाडे नाल जुड़ेगा। तो होर की आखर दे विच संदेश देना चाहते हो शहर के नौजवानों नूं, खासकर VIP कल्चर, क्योंकि लोग ये कहिंदे कि ये नौजवान जिहड़े हैं इन्हां नूं बत्ती चाहीदी है, इन्हां नूं गनमैन चाहीदे हैं, इन्हां नूं इस करके राजनीति च आना है कि असीं अपनी टौर दिखा सकीए, इस चीज़ बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो संदीप जी, मेरी उम्र लगभग 29 साल के नेड़े होगी, ठीक है, तो अज मैनू लगता मैं पहला इंटरव्यू दे रहा थोनू, ठीक है, कभी मैं इस चीज़ बारे सोचा ही नहीं, मैं सिर्फ एक मुद्दा लैके चलिया भी अपने शहर के वासियों की अपने लोगों की अपने यूथ की एक सेवा करा, सेवा करना मेरा मुख मुद्दा है, ठीक है। अज तक मेरे घर मैनू पता इतने जेड़े जेड़े मेरे नाल मेरे नेड़े ने उन्होंने पता है भी मेरे घर जेड़ा भी डोरबैल आके बजाऊगा ना, जे किसी नू लोड़ है, जे किसी नू लॉकडाउन दे विच आटे दी या राशन दी किसी नू लोड़ पैंदी रही है तां इह सिमरनजीत सिंह स्लैच उहदे तों कदी पिछे नहीं हटिया, उहदे नाल तुरिया है, चाहे अद्धी रात नू मेरे घर आके किसी ने बैल मारी है, वीर जी मेरे नाल आह घटना हो गई, मेरा इत्थे एक्सीडेंट हो गया, मेरे नाल कुछ हो गया भी मेरे नाल चलो मेरे कोल आओ, मैं एक मिनट तो पहला जिहड़ी भी हालत दे विच हाँ मैं अपने परिवार नू पिछे रख के अपने यूथ नू अपने लोक इलाके दे लोकां दे नाल खड़े हाँ, उहनां दी सपोर्ट कीती है, जिहड़े जिहड़े मेरे नाल जुड़े हुए ने उन्हां नू पता है भी सिमरनजीत सिंह स्लैच ने किन्नी साडी सपोर्ट कीती है किन्नी नहीं। दूजी गल मैं कहना चाहुंदा हाँ, मेरा बिजनेस है, मैं फतेहगढ़ साहब दे विच बिजनेस रन कर रहा, जिहड़ी तुसीं VIP कल्चर की गल करियो, VIP कल्चर तो
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ VIP ਕਲਚਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਉਹ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਥ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਊਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੋਟ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਆਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣਿਓ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ, MCਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੂਥ MC ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਥ MLA ਬਣਾਓ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਥ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੈਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋੜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਯੂਥ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਯੂਥ ਦੇ TV ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਯੂਥ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਵੇ। ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ।